ये पापा जी का ORS का घोल है, पूरा पीना है पापा जी। ना थोड़ा थोड़ा कर, ये रख लेना फिर अपने पास। अभी इस टाइम हमारे घर में इतनी चहल पहल है ना, तो समझ ही नहीं आता। वॉइस ओवर करने के लिए ना कोना भी ढूंढना पड़ता है कि कहाँ बैठ के बात करूँ, इतना शोर रहता है घर में। क्योंकि पापा जी भी आए हुए हैं, फिर मम्मी भी आ जाते हैं, विहान भी, मतलब सारे एक ही घर में बैठ जाते हैं, आ जाते हैं। हाँ बेटा, हाँ चला लो, साइकिल चला लो। तो यहाँ पे ना ये सामने वाले भैया ने इसको ये दिलवाई थी, चॉकलेट दिलवाई थी और ये पैकेट दिलवाए थे, और घुमा के लेकर आए थे कार में, ले गए थे विहान को। और फिर ये डॉक्टर आए थे पीछे से, और विहान मेरे पापा जी को एक और ग्लूकोज की बोतल चढ़ा गए थे। अब तो पापा जी की स्टेबल है कंडीशन, वो जा सकते हैं खुद। अब क्लिनिक पर ही बुलाया है, डॉक्टर ने कहा है कि बाकी जो ट्रीटमेंट है हम वहीं कर देंगे, इंजेक्शन लगने हैं। क्योंकि जो भी है ना इंजेक्शन, अभी एक दो और लगेंगे और एक बोतल आज चढ़ जाएगी ग्लूकोज की, तो ताकत आ जाएगी। कमजोर शरीर में इस उम्र में ना मतलब होता ही है, ग्लूकोज वगैरह चढ़वाने ही पड़ते हैं। ये एसी का पानी था, मैंने फेंका, हर रोज फेंकती हूँ, रूटीन रहता है। पहले पानी की बोतल, ये एसी का पूरा बाल्टी भर गई थी, तो मैंने इस पानी को ना बाहर ही फेंकती हूँ, मैं इसका यूज़ नहीं कर सकते, पानी ना ख़राब होता है। तो यहाँ मैं पापा जी को बोल रही थी कि बीड़ी ना ऐसे मत पापा जी किया करो, आप ना बाहर ऐसे फेंक देते हो। कोई वो पापा जी के लिए लेकर आऊँगी, जो क्या बोलते हैं उनको, स्ट्रे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीड़ी डालने की। पापा जी ज़मीन पे फेंक देते हैं ना, वो फिर विहान मुंह में डाल लेता है उठा के बीड़ी, है ना, यूज्ड बीड़ी जो होती है। तो इसीलिए मैं बोल रही थी। और यहाँ पे आज पापा जी ने ही बोला कि चल चलते हैं, तेरे को क्या क्या ख़त्म हो रहा है सामान ले ले। एक्चुअली मेरे पास मेरे पास बिल्कुल ही 50-100 रुपये पड़े थे, पैसे नहीं थे मेरे पास, और मेरे अकाउंट में थे पैसे। और मेरे पास अभी कितने रुपये हैं मैं वो भी आपको विद प्रूफ दिखा दूँगी, मेरे अकाउंट में इस टाइम कितने पैसे हैं आपको वीडियो के एंड में दिखा दूंगी। मैं अपने अकाउंट से या मैं मुंह से ही बता दूं, आप लोग भरोसा तो कर ही लोगे, नहीं दिखा दूंगी, सब भरोसा नहीं करते ना फिर, है ना। तो मैं 7,000 रुपये निकालवा के लाई थी एक अकाउंट से। आप विहान 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 प्लीज़ बेटा बात कर लेने देना। तो ये बोल रही थी मैं कि 7,000 रुपये एक अकाउंट से निकलवा के लाई, 6,000 दूसरे अकाउंट से निकलवा के लाई, तो टोटल 13,000 रुपये निकलवा के मैं लाई थी आज। क्योंकि 6,000 तो मेरे को मम्मी के ही वापस करने हैं, और मेरे को दोनों घरों का मेंटेनेंस भी भरना है, बिजली का बिल भी भरना है दोनों घरों का, और ऊपर से फल फ्रूट खर्चे, राशन पानी, इतना तो लग ही जाएगा, है ना, इस महीने का खर्चे में। तो निकलवा के लाई थी, आपको दिखा दूंगी मैं कितने रुपए पेंडिंग है, अच्छे से दिखाऊंगी विद प्रूफ मैं आपको। क्योंकि 2 महीने से ना दूध का बिल मम्मी दे रहे थे, मैंने कहा था मम्मी मैं आपको इकट्ठे दे दूंगी, आप एक बार भर दो, तो मम्मी ने भरे 2 महीने के, तो वो 6,000 रुपये हो गए। तो मैं 6,000 रुपये मम्मी के वापस करूंगी। और आज तो मैं आपको घूमते घूमते अपना हिसार शहर भी अच्छे से दिखा रही हूँ, देख लीजिए पीछे आपको पूरा गलियाँ दिखा रही हूँ अपनी कॉलोनी की, अपनी शहर, अपने हाईवे दिखा रही हूँ, ये हाईवे है पूरा, है ना। उस दिन मैं कितना, अभी तक तो मैं पहुँची भी नहीं हूँ, मैं कितना साइकिल पे गई थी आप खुद देख लो, वो डॉक्टर सर से दवाई लाने के लिए, अभी तक भी वो जगह नहीं आई है। सोचो कितना मैं पैदल साइकिल पे, पता है मेरे पैर इतने दुखने लग गए थे, एक्सरसाइज तो अच्छी हो जाती है। तो पापा जी बोल रहे थे कि मेरे को वापस जाना है, तो उससे पहले ना तू पैसे निकलवा ले, क्योंकि फिर तेरे को जाना पड़ेगा। और पापा जी को भी पैसे निकलवा के बाज़ार से लाने थे, और मम्मी ने बोला था ये रूह अफजा पापा जी अपने लिए ख़रीद रहे हैं, पापा जी गर्मियों में ना रूह अफजे की बोतल पीते हैं, और मैं नहीं पीती रूह अफजा, मैं घर में भी नहीं रखती रूह अफजा, ये पापा जी ले जाएंगे अपने साथ। और मम्मी ने कहा था कि बेसन ले आई हो, तो ये 90 रुपये के 2 पैकेट दिए बेसन के, ये खरीदे। और ये मिठाई दुकान पे खरीदने के लिए आए थे, और ये जो मिठाई है ये पापा जी अपने लिए लेकर जा रहे हैं, मतलब अपने मतलब वहाँ के लिए मिठाई। और हम तो इतनी मिठाई खाते भी नहीं है, जब से डॉक्टर ने मना किया है ना, तो हमारे घर में आपने देखा है मिठाई आती नहीं है, पहले इतने डब्बे आते थे मिठाई के, अब तो बिल्कुल छोड़ रखा है। हाँ चॉकलेट ले आते हैं लेकिन मिठाई नहीं लाते हैं। तो यहाँ से पापा जी ने एक डब्बा मिठाई का ख़रीदा था, और सुबह इतनी दिक्कत आई, इतने सा मतलब आज ना ATM बंद थे, क्योंकि आज मंडे है, संडे के बाद जब मंडे को ATM में ना पैसे ही नहीं थे, मतलब हमने 5 ATM ट्राई करे, उनमें से 5वें ATM में जाके हमें पैसे निकलवा पाए, 4 ATM में पैसे ही नहीं थे, क्योंकि संडे के बाद ना मंडे को दिक्कत आती ही है ATM में, है ना। और सुबह हमारे यहाँ पे 7:30-8 बजे से पहले ATM में मतलब कुछ भी नहीं होता यहाँ पर, है ना। तो ये देखो ये मिठाई का डब्बा पापा जी ने अपने यहाँ पर लिया था। पापा जी बिहारी के छोले लेने जा रहे हैं।
मेरी सासू माँ कह रहे थे कि ना मेरा वजन ज़्यादा नहीं है, तू फालतू में टेंशन लेती रहती है वजन की, बार बार कहती है वीडियो में मैं मोटी हूँ मोटी हूँ, मुझे वजन कम करना है। मुझे तो बिल्कुल ठीक लगती है, ऐसी ही लड़की होनी चाहिए, मतलब थोड़ी अच्छे, मतलब सेहत सही है, बिल्कुल बढ़िया है, हाइट के हिसाब से ज़्यादा नहीं लगता वजन, एकदम पतली पतली लड़कियाँ भी अच्छी नहीं लगती, सूखी हड्डी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, इतना तो होना भी चाहिए वजन। खाया पिया बढ़िया लगता है, अच्छे से खाया पिया कर, कोई डाइटिंग वाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन मुझे लगता है ना, मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, थोड़ा कम ध्यान देना चाहिए। और आपको मैं एक साथ में बैड न्यूज़ भी बताना चाहूँगी कि मेरा वज़न 70 किलो हो गया है, मतलब इस साल के शुरुआत में मेरा वज़न 66 किलो था, 6 किलो कम करने का टारगेट रखा था इस साल के आखिरी तक, सोचा था 60 किलो हो जाएगा, बल्कि 4 किलो बढ़ गया मेरा वज़न, अब 70 पे आ गया। अब आप ही बताइए कैसे होगा मेरा वज़न, मेरे को समझ नहीं आ रहा। हाँ मम्मी एकदम ही, हाँ एकदम सही बढ़ गया, मेरी मम्मा बोल रहे तेरा इतना बढ़ गया। तो यहाँ पे देखिए, दूध की डेयरी पे आए थे, यहाँ पे 650 रुपये का किलो वो मिलता है देसी घी, और ये इस तरीके से मिलता है, देखिए एक होता है ना डब्बा बंद, ये डब्बे वाला नहीं है, बट ये थोड़ा महंगा मिलता है, 650 का किलो डब्बा मेरे ख्याल से आ जाता है, कितने का आता है पता नहीं, कॉमेंट करके बताइएगा। तो पापा जी कह रहे थे ये शुद्ध होता है घी, ये बढ़िया वाला है, अच्छा रहेगा विहान के लिए, तो मैंने 1 किलो ले लिया था ये, मैं यहाँ पे मैंने 650 रुपये दिए थे, महीना चल जाएगा हमारा घी बढ़िया। विहान का थोड़ा शरीर बनाना है, बहुत कमज़ोर सा होता जा रहा है, उसका वज़न बढ़ाना है। तो यहाँ पे देखिए भैया लोग हंसने लग रहे थे, वीडियो बना रही थी मैं, तो यहाँ से ये ठीक है, आगे से मैं यहीं से ही ले जाया करूँगी घी। तो पापा जी ने मुझे दुकान दिखा दी, कहा है कि यहाँ अच्छा मिलता है घी, यहाँ से ले जाया। अब तो रूल बन गया ना पापा जी, पहले पुरानी वाली सड़क तोड़ते हैं फिर नहीं बनाते हैं, देखो पूरी सड़क तोड़ रखी है, पहले निकालते हैं ताकि ना लेवल ऊंचा हो जाता था पहले सड़क का, घरों के लेवल नीचे हो जाते थे, अब पहले रूल बना दिया है, पहले ये टूटती है देखो सारी, फिर इसके ऊपर नीचे बनेगी दोबारा नई सड़क। मैं सब्जी मंडी में आई हूँ, मुझे मौसम्मी खत्म हो गई है घर के लिए, मौसम्मी का कट्टा लेना है। भैया क्या रेट हो रखी है मौसम्मी? मौसम्मी 600 रुपये का कट्टा 10 किलो, 600 रुपये का 10 किलो, ये क्वालिटी होगी 950 रुपये का कट्टा 20 किलो, 950, कौन सा है 20 किलो 950 में? ये वाला बिल्कुल पतले छिलके में मीठी मौसमी, अच्छा ये वाला ले लेते हैं, ये वाला कर दीजिए, इसमें से देख लो कौन सा अच्छा है कट्टा सबसे बढ़िया, वो निकाल दो। अब फटाफट मौसमी तो ले ली, आम और ले लेते हैं, तो ये आम है 55, 52 बता रहे थे आप, ये 52, ये 55 मीठा मिलेगा, फिर ये वाला कर दीजिए। बाकी सब तो देखिए बाद में बरतने के बाद पता चलता है ना रिश्तेदारी का, लेकिन अभी तो सब कुछ अच्छा ही लग रहा है सुनने में, बात करने में, है ना, बाकी टाइम बताएगा कैसा क्या रहता है। तो ये देखिए आम इतने सारे इसलिए लेके जा रही हूँ, 100 रुपये के इतने से आम खरीदे थे अभी मैंने, आपने ध्यान होगा है ना, एक दो दिन पहले हमारे यहाँ दे के जाते हैं, मतलब फल फ्रूट वाली आती है ना वो गाड़ी, तो मुझे इतना धोखा सा लगा, मुझे लगा यार मैं रिटेल में इतने सही ले आती हूँ आम, मतलब सॉरी होलसेल में, तो ये 690 रुपये के आम आए हैं टोटल, आप देख लीजिए, तो 55 रुपये के रुपये किलो के रेट से मैं ये सारे आम खरीदे हैं। आप कितने रुपए किलो के आम से ये वाले आम खरीदते हो? वो दूसरे वाले नहीं बात करी, मुझे ये वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो दूसरे जो आम होते हैं ना कौन से होते हैं बस वो मुझे पता नहीं, जिनमें आम कम होता है थोड़ा सा, वो कुछ पतले पतले से होते हैं हरे रंग के छोटे छोटे से। यहाँ पर मैंने 690 रुपये के आम खरीदे हैं 13.5 किलो, एक्चुअली रिटेल में 80 रुपये किलो मिल रहा है आम, 80-90, और वैसे 55 रुपये मिल जाता है इकट्ठा लो। मैं पापा जी को कह रही थी यहाँ पे ही रिक्शा मिलती है, 100 रुपये लेते हैं घर तक के, रिक्शा ले लेते हैं, पापा जी बोलते नहीं स्कूटी पे ही चल पड़ेंगे, तो यहाँ से तो रख दिया मौसम्मी, पीछे आम लेके मैं बैठ गई हूँ,
और आप कहते हो ना आम नहीं होते खराब, 10 दिन तक तो बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। मैंने खुद यूज करके देखे हैं। फ्रिज में रख दो ना 10 दिन आम बिल्कुल नहीं खराब होते हैं। 13-14 किलो आम नहीं खराब होता। मेरा पिछली बार मैंने खरीदा था ना, मेरा 1 किलो 1-2 आम भी खराब नहीं गया, सारा खाया गया। क्योंकि देखो डेली का 1.5 किलो आम तो खाया ही जाता है ना, तो हफ्ते में खत्म ये 690 रुपए के आ गए 13.5 किलो। और वैसे देख लो क्या रेट है, आपको बताइए किलो आम, और वो भी बढ़िया वाला आम मिला है एकदम बढ़िया। मम्मी ये 6,000 रुपए आपके, हाँ आपके कह रही हूँ, सॉरी दूध के, ठीक है, 2 महीने के देने रहते थे आपने भरे थे, तो ये 2 महीने के कब तक के आ गए, ये पिछले अभी क्या महीना चल रहा है, जून, तो मई के आ गए, और इस महीने भी आपने ही भरे ना, मतलब दो अभी अब इस महीने के आखिरी में दोबारा देने हैं ना दूध के पैसे, मैं दे दूंगी इस महीने के आखिरी में, ये पहले के आ गए, ठीक है ना मम्मी। ये लो पाजी 100 रुपए आपके, कोई नहीं। ये बेसन लिया था ना उस टाइम इकट्ठे, आप मैंने कहा मैं सोचा घर जाके दे दूंगी आपको, ये 2 मम्मी थैली बेसन की ले आई मैं, आपने मंगवाया था ना, और ये घी देख लो 650 रुपए का आया। पापा जी बोलते ये जो इनसे लाए ये अच्छा देते हैं, देसी प्योर एकदम, मैं कभी आन के लिए ठीक रहेगा, 650 का आया है। लो पाजी रख लो आप पैसे, छोले हैं आम, बहुत 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 मीठा था, बढ़िया आम था, अच्छा, और आधा आम इसमें से विहान को मैंने खिला दिया था, आधा मैंने खाया था, तो डेली खाएंगे अच्छे से, मैंगो शेक पिएंगे ठंडा ठंडा, गर्मियों में मज़ा आ जाएगा, है ना। मैंने 2-3 वीडियो देख ली है, ये कैसी किस टाइप की वीडियो बनाने लग रहे हो, मुझे बोलते हुए भी इस बारे में शर्म आ रही है, लेकिन लोगों को मतलब मेरी पब्लिक कहीं और जाके कुछ और देख रही है, वो क्या देख रही है, मतलब आप लोग कैसे क्या वीडियो बनाने लग रहे हो। मतलब आज से कुछ टाइम पहले की बात है, मैंने एक लाइव करी थी जिसमें मैंने एक चुन्नी ले रखी थी मैंने यहाँ, है ना, अच्छे से मतलब चुन्नी मतलब लपेट रखी थी, मतलब एक शॉल की तरह, और उस वीडियो में लाइव आते हुए मैंने ऐसे बोल दिया कि ना आप समझ ही सकते हो कि मैंने चुन्नी क्यों ले रखी है। लोगों ने मेरे ऊपर इतनी फालतू फगिरी की, कैसी वीडियो बना रखी है, मैंने 2-3 जगह देख ली कि ना मतलब क्या बोलूं, मुझे तो बोला भी नहीं जा रहा, मतलब क्या 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 गंदा बोलने लग रहे हैं कि निधि ना मतलब रात को मतलब टी शर्ट वी शर्ट कुछ नहीं, मतलब ऐसे ही मतलब सोती है, नींद से उठी है रात को 2-2.5 बजे, बस एक शॉल ओढ़ के लाइव कर रही है, मतलब कैसे मतलब ऐसे बातें बोल रहे हो, ऐसा कोई होता है क्या, ऐसा कोई करता है क्या, मैंने क्यों बोला, मैंने मेरी एक लाइन को कितना गलत तरीके से चेंज तोड़ मरोड़ के कितना गंदे से लोगों के माइंड में क्या क्या बातें बोलने लग रहे हैं, और कैरेक्टर पे बात कर रहे हैं, उस बात को कैरेक्टर से जोड़ दिया कि ऐसे है वो था ये था, मेरा पता है कहने का सिर्फ एक मतलब था, मेरे को बोलते हुए भी मतलब मैं कैसे बोलूं, मतलब अब लेडीज तो समझ सकती है ना, लेडीज जो भी है कि मतलब मैं क्या बोलूं यार, शब्द भी नहीं मिलते यार, ऐसे ऐसे वीडियोस मेरे ऊपर थर्ड क्लास बनाने लग रहे हैं कुछ लोग, तो समझ नहीं आता, समझ के बाहर हैं ये लोग तो यार। आप लोग भी जानते हो, लेडीज जानते हो कि ना जैसे आपने लोअर टी शर्ट पहनते हो रात को, है ना, टी शर्ट वगैरह, तो जो गारमेंट्स होते हैं वो नहीं, मतलब आप समझ रहे हो ना, क्योंकि वो बहुत ही मतलब टाइट फिटिंग के मतलब कंफर्टेबल नहीं रहते, है ना, जैसे आप जैसे मान लो आप वो नाइटी वगैरह पहन लेते हो, है ना, लॉन्ग जो होती है, तो मेरा कहने का वो मतलब था कि आप लोग समझ जाओगे, मैंने इसलिए वैसे वो ले लिया था शॉल। मतलब क्या फालतू की वीडियो बनाने लग रहे हैं, और कई वीडियो देख ली मैंने अपने ऊपर बनी हुई इस तरीके की, तो क्या बकवास कर रहे हैं यार, क्या मतलब कुछ भी, मतलब इतना गंदा बोल रहे हैं, मतलब मैं पागल हूँ क्या, मैं ऐसे क्यों सोऊंगी, मतलब क्या कितना गंदे क्या बोल रहे हैं, मतलब सच में तो कुछ भी बोलना है क्या, कुछ भी बोलना है क्या। मैंने टी शर्ट पहना हुआ था, जब मैंने वो शॉल पहना हुआ था ना, उसके नीचे प्रॉपर मेरी टी शर्ट थी, ठीक है, फुल बाजू की अच्छी बढ़िया टी शर्ट थी, अब मुझे याद नहीं है कि क्या पहना हुआ था, बट मैंने टी शर्ट पहने हुए थे, कपड़े मैंने पहने हुए थे खाली, ऐसे कौन मेरे को ऐसे बदनाम कर रहे हैं, बताओ, ऐसी फालतू की घटिया वीडियो मेरे ऊपर बना रहे हैं। चलो जाने दो, मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग फिर कंटिन्यू करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।